चलिए आज आप लोग को एक सौर पैनल का वीडियो दिखाएंगे, जो सौर पैनल इंस्टॉलेशन क्या होता है। लेकिन पहले दिखाएंगे सौर पैनल आया है उसको पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या क्या है नहीं है पूरा आपको दिखाएंगे। चलिए पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं। पहले इसके अंदर एक बॉक्स रहता है ना, इसको पहले खोल कर देखना क्या है नहीं है। ये आपका टेलीफोन सावर है, देखना है। ये सावर का आर्म है, ये टेलीफोन सावर चेन है, ये आपका सावर है, ये आपका टेलीफोन सावर का हिंच है, एक साथ में रहता है जहाँ से पानी भी आएगा वहीं हटके। यहाँ क्लैंपिंग है, वाशर है, आपका स्क्रू है, और ये आपका एक सेल्फ दिया है, ग्लास सेल्फ, देख रहे हैं ग्लास सेल्फ। चलिए पहले इसको साइड करवा लेंगे, आगे देखते जाइए। अब हम लोग पैनल को उठाएंगे, इसको अंदर पैनल का क्या कंडीशन है नहीं है, कहाँ क्या है नहीं है वो देख के बाद में पूरा पैनल को फिटिंग करना पड़ेगा। पैनल का कहाँ क्या लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, उसका स्पाउट फिटिंग करना पड़ेगा, उसका टेलीफोन सावर का, उसका सावर का सब फिटिंग करना पड़ेगा। फिटिंग करने हम लोग फिटिंग करते हैं। आप लोग भैया जब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, चैनल का राइट साइड सब्सक्राइब का राइट साइड में वहाँ पर एक देखिएगा बेल आइकन है, उसको प्रेस करवा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आप लोग का पास आएगा आप लोग बस नोटिफिकेशन जा सकता है। जब आप लोग फेसबुक पेज में नहीं देखे हैं तो फेसबुक पेज में भी जाकर वहाँ पर फॉलो करवा दीजिएगा, वहाँ भी जितना अच्छा अच्छा वीडियो सब आ सकता है। अब देखिए हम लोग पहले आर्म को टाइट करवा लेंगे, सावर का आर्म। कोई कोई पैनल देखिएगा डायरेक्ट सावर सेटिंग रहता है, यहाँ पर देखिए टोटली अलग है। हम लोग का सावर का आर्म हो गया, अब सबको कनेक्टिंग कर लेंगे। एक एक चीज़ इसका देखिएगा, सब में कनेक्टिंग करना पड़ेगा। कनेक्टिंग करने के साथ में सब कनेक्टर छोड़ा हुआ है सावर पैनल का, उसके साथ में वाशर दे दीजिएगा। देखिए सब जाल वाला वाशर आया है, फिल्टर वाला जिसको बोलते हैं, ये देख रहे हैं। चलिए इसको पहले हम लोग वाशर को पहले हम लोग सही से देने की बाद में अच्छे से टाइट करवा लेंगे, ज़्यादा भी टाइट नहीं, जरूरत के मुताबिक कितना वाशर दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग का सावर भी सावर का कनेक्टिंग टाइट हो गया, देख रहे हैं। अब देखिए हम लोग का जो अब बाकी रह गया स्पाउट और आपका टेलीफोन सावर, साथ साथ में देखिए ये है आपका हॉट एंड कोल्ड जो मेन कनेक्शन होगा, देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, ये हॉट एंड कोल्ड है, और उसका नीचे वाला रहेगा स्पाउट, ये हाथ जिसमें है ये जो स्पाउट है। पहले हम लोग टेलीफोन सावर को हम लोग फिट करेंगे, देख लीजिए टेलीफोन सावर का जो उसका हिंच आया है उसका, साथ साथ में जिससे हम लोग पानी आएगा उसी में हम लोग हिंच होगा, ये जो देख रहे हैं। चलिए पहले इसको हम लोग फिट करवा लेंगे, इसका वाशर टॉसर दिया हुआ है, इसको सही तरीके से फिटिंग करवा लेना पड़ेगा, देख रहे हैं। अब हम लोग का इसको हल्का सा टाइट करवा लेना पड़ेगा बॉक्स रेंज से या पकड़ जिसको जाओ जो भी बोलते हैं आप लोग, इसको सही तरीके से टाइट करवा लेना पड़ेगा। इसके बाद में इसका जो कनेक्टर दिया हुआ है कनेक्टर को सही से वाशर देकर टाइट कर लेना पड़ेगा। देखिए नेट वाला वाशर आया है ऑलरेडी कंपनी का तरफ से, ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है छोड़ा हुआ है, ये जो कनेक्टर है इसको अब हम लोग नेट वाला वाशर देकर सही से टाइट करवा लेंगे। देख रहे हैं अब बाकी रह गया आपका स्पाउट, ये जो देख रहे हैं स्पाउट आया है, इसको हम लोग सही तरीके से इसको भी टाइट करवा लेंगे, स्ट्रेट सही से देखना पड़ेगा। यहाँ पर बॉटम स्पाउट भी आता था लेकिन यहाँ पर टेलीफोन सावर का अलग से दिया हुआ है, बोले बॉटम स्पाउट नहीं है, देख रहे हैं स्पाउट का भी हम लोग कनेक्टर टाइट करवा लिए। अब बाकी रह गया सावर, ये करना सावर देख रहे हैं, पहले इसको सावर का बाद में करेंगे, पहले मेजरमेंट लेकर वहाँ पर क्या तरीका से आप लोग सेंटर करने के बाद में जो हाइट आपका सावर का हाइट हम लोग करते हैं
7 फीट स्टैंडर्ड जो होता है सावर का हाइट, आप वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वही हिसाब से हम लोग सावर का हाइट जो 7 फीट रहेगा, 7 फीट के हिसाब से हम लोग उसको मेजरमेंट करके निकाल रहे हैं। ये जो होटल का पॉइंट दिया हुआ है, इसका नीचे पहले एक क्लाम रहेगा, उसके ऊपर क्लाम रहेगा, आपको देख लेना पड़ेगा क्या हिसाब से आया नहीं आया, वही तरीका से आपको ये करना पड़ेगा। तो बेस्ट होता है ये होटल कॉल्ड पॉइंट, जब टाइल्स लगाने का आगे आप लोग पॉइंट करते हैं, वो कम सबसे कम से कम भी 5.5 इंची सेंटर रखने चाहिए होटल कॉल्ड का, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5.5 इंची से ज़्यादा रहेगा तो फिर आपका सावर पैनल का जो बॉडी रहता है उस पर टच हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग डील भी होके देख लिए हैं, आप इसको पहले से सही से क्लैंपिंग टाइट करवा लेंगे। जो स्टील का दो क्लैंप आया कंपनी की तरफ से, ये क्लैंप को सही से हम लोग टाइट करवा लेंगे, देख ले रहे हैं, अच्छा तरीके से टाइट करवा लीजिएगा। अच्छा खासा वेट भी है आपका सावर पैनल का, इतना कमजोरी भी नहीं है, अच्छा खासा वेट है। अब देखिए हम लोग का क्लैंपिंग क्लैंप तो ऑलरेडी टाइट होने हो गया, अब हम लोग सावर पैनल को ले आके हिंच करेंगे। थोड़ा अच्छा तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा वेट वाला है सावर पैनल। यहाँ देख रहे हैं आप बीट निपल से निकाल के रखे हैं, यहाँ पर कोशिश करिएगा आप लोग बीट निपल में सहूलत होगा, या फिर आप लोग को एल्बो बाहर निकाल के बीट निपल दीजिए, जिसमें आप लोग को सहूलत होगा वहीं से करिएगा। हम लोग को ये सहूलत हुआ है जो डायरेक्ट बीट निपल से, लेकिन आप लोग को और भी बेहतर होगा बीट निपल का जगह में आप लोग एल्बो दे सकते हैं। अब देखिए हम लोग पैनल को हिंच करवा दिए हैं, अब उसका जो टेलीफोन सवाल का जो बाकी था उसको भी हम लोग हिंच करके इसको टाइट करवा के रखवा दिए, दिखाई दे रहा है। अब सब बाकी क्या रहेगा, सवाल लगाना, वो भी देखिए आपको सवाल लगा के आपको दिखा देंगे। ये जो सवाल आया है जल्दी से सवाल लगवाइए, उसके बाद में पानी टेस्ट करिए। देखिए सवाल मेरा लग गया है, अब थोड़ा सावर पैनल को देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्या हिसाब से हुआ है नहीं हुआ, देख लिए। अब हम लोग का काम क्या बाकी रह गया, एक सेल्फ आया हुआ था, सेल्फ को सही तरीके से इसको लगा लेना पड़ेगा, ग्लास सेल्फ, शैम्पू साबुन टबन सब रख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में, सही तरीके से टाइट करवा दीजिए। अब देखिए इसको टाइट भी हो गया है, अब चलिए हम लोग पानी टेस्ट करेंगे, अच्छा तरीके से पानी टेस्ट आप लोग देख लीजिए क्या हिसाब से पानी टेस्ट। पानी का फोर्स भी खास खराब ही नहीं है, अच्छा खासा फोर्स है इसका, बॉडी देख लीजिए बॉडी कहाँ मार रहा है, पूरा वाल में मार रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, अभी देखिएगा बॉडी पूरा वाल में मार रहा है। कोई प्रेशर बम नहीं है यहाँ पर, लेकिन बिल्डिंग का G+4 बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट है, इसका हिसाब से पानी का फोर्स सही है। चलिए भैया वीडियो को हम लोग और ज़्यादा दूर दौड़ाएंगे नहीं, वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं, चैनल में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे बेहतर वीडियो। चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेंगे।